अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज मास्टर्स टीचिंग कोर्स की क्लास में। आज मैं आपको बुकरम पर डिफरेंट गले काटना बताऊंगी। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल गलों पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, देन हम मुश्किल की तरफ जाएंगे। बुकरम पर आप किस किस टाइप के गले काट सकते हैं, उनमें से कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक बेसिक क्लासेस नहीं ली वो पहले बेसिक लें ताकि आपको वन बाय वन चीज़ें समझ आ सकें। इसको वैसे जर्मन बुकरम भी कहा जाता है, पेपर बुकरम होता है, वो बिल्कुल वेटलेस होता है, उसमें इतना ये हार्ड है वो हार्ड बिल्कुल भी नहीं होता, तो वो बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट होता है कपड़े की तरह। अगर आपको डिज़ाइनिंग वाले गले बनाने हैं तो फिर ये वाला बुकरम बेस्ट है, अदरवाइज़ लेडीज़ के लिए पेपर बुकरम ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो चलते हैं फिर बुकरम पर किस किस टाइप के गले कट सकते हैं, उनमें से कुछ मैं आपको जो है वो शेप्स बताऊंगी। आपको कोई भी शेप अगर बनानी है तो वो आप इस बेसिक नेक्स तो मैंने आपको बता दिए थे, बस बेसिक पर ही डिफरेंट चीज़ों को हम मतलब डिफरेंट डिज़ाइन हम बनाते हैं। ये बेसिक के बाद ये थोड़े से सिंपल डिज़ाइन है, इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे, यानी इसके बाद मज़ीद मुश्किल डिज़ाइन में जाएंगे। अच्छा, गलों का जो होती है एक चीज़ वो मैं आपको बताऊँ कि आपने जो भी गला बनाना है उस गले के लिहाज से हर साइज़ को मेनटेन करना पड़ता है। वैसे तो बेसिक साइज़ आपको पता ही है, लेकिन अब जैसे कि बे गला है उसको आपने साइजेस के लिहाज से मेंटेन करना होता है। लेकिन अभी जो मैं गला इस पर बुकरम पर आपको काट के बता रही हूँ वो है हांडी गला, वो भी काफ़ी यूज़ होता है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है अगर बना हो अच्छे से। तो आपने जो साइज़ लेना है हांडी में, हांडी गले में जो आपने साइज़ लेना है वो 7 इंची चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई हम इसकी 7 इंची लेंगे। लंबाई जो हमने लेनी है वो भी हम 7.5 पे ले रहे हैं। अच्छा, अब आप इसका ना यहाँ पे एक बॉक्स बना लें। कोई भी गला जब आप तैयार करती हैं तो उसको एज आ ये मतलब यूं बॉक्स के अंदर अगर डिज़ाइन आप करती हैं तो आपकी शेप्स ज़्यादा अच्छी आ जाती हैं। अब यहाँ से ये हमने 7.5 रखा था, आपने इसका जब हाफ करना है यहाँ तक होगा हाफ, यहाँ से आपने तकरीबन 1.5 इंच आगे की तरफ आ जाना है। इस लाइन को आपने यहाँ पे मिलाना है, अगर तो आपने डीप गोलाई करनी है तो फिर चाहे आप 1 इंच का निशान लगा लें, लेकिन कुछ चीज़ें अंदाज़े के मुताबिक भी होती हैं, आप उसको अंदाजन भी लेकर चल सकते हैं। अब ये बहुत नॉर्मल मैंने इसको यहाँ से डीप दिया है, कुछ लोगों को पसंद होता है यहाँ से फुल्ली डीप भी वो लेकर जाते हैं, लेकिन आपने अभी नॉर्मल चीज़ों पर चलना है। बुकरम का दरमियान काटने के बाद जो आपको बैक से मतलब बुकरम चौड़ा रखना है वो 1 इंच अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरती आती है, क्योंकि हमें बाकी की खूबसूरती को भी देखना होता है। या आप 1 इंच के निशान लगाएं, अब आप ये देखें कि आपने कोई भी अगर डिज़ाइन बनाना है तो वो आपका अंदर वाली साइड पे होगा, और इस अंदर वाली ही कटिंग को नीट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने इसी के साथ साथ सिलाई लगानी होती है। अगर आपकी ये सिलाई नीट नहीं होगी तो इट्स मीन कि आपकी जब कपड़े पे आप गला बना रहे हैं तो आपका गला भी नीट नहीं होगा। अब जो ये बीच की बुकरम बचते हैं इनको वेस्ट मत किया करें। साथ ही मैं नेक्स्ट गला आपको बताती हूँ कि जो अक्सर आपने ब्रांडेड कुर्तियों पे भी देखा होगा, मोस्टली ये गला, ये वाला बहुत नेक यूज़ होती है। इसमें अब आपने क्या करना है कि नॉर्मल तो आप पहनते हैं 7 इंच, इसमें चाहे तो आप 8 इंच गले की चौड़ाई कर सकते हैं इस डिज़ाइन में।
आठ इंच चौड़ाई करें। अब आप ये देखें कि आपने अगर तो 7.5 पे नेक मतलब बनाना है, अब सबकी अपनी चॉइस होती है, मैं 7.5 का ही मैयर कर रही हूँ। 7.5 पे मैंने निशान लगाया है, लेकिन मैंने गले की जो रखनी है जो लंबाई रखनी है वो रख रही हूँ 5 इंच। 5 इंच मैंने लंबाई रखी है। यहाँ से आपने 1 इंच को निशान लगाना है इस तरह, और इसको आप यहाँ पे जोड़ लें। ये आपने देखा होगा कि अमूमन ये वाला जो गला है ये ब्रांड्स में मतलब कपड़ों पे यूज़ होता है, और यहाँ से आप इसको गोल शेप दे दें, गोल शेप दे दें आप इसको। अब यहाँ से आपने किस तरह से कटिंग करनी होती है कि आपने 1-1 इंच के निशान लगाए हैं। अब मैं थोड़ा सा ये अंदाजे से काम कर रही हूँ क्योंकि मेरी है प्रैक्टिस। अब ये नहीं कि आपने इसको यहाँ से तो कोन बनाना है, नहीं, अब यहाँ से यहाँ 1 इंच जाके आपने इसको इस तरह कट करना है। ये आपने देखा होगा कि ये बहुत यूज होता है ब्रांड्स के ड्रेसेस पे, ये वाला नेक बहुत यूज होता है। अभी मैं आपको सिंपल में बता रही हूँ कि आपको बुकरम पे अंदाज़ा हो सके कि आपने आप किस किस टाइप के गले बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो डिज़ाइनिंग होती है वो गोल पर होती है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वो हम गोल पर ही करते हैं, ऊपर से गोल होता है और गोल पर ही डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। अब आपने एक नेक देखा होगा कि नीचे से वो होता है राउंड, वो राउंड नेक होता है, उसमें आपने ऊपर से तो गोल ही गला बनाना होता है। 4 पर ही आपने अपना गोल गला बनाया। अब जो हमें नीचे राउंड चाहिए वो हम ले लेते हैं 3 इंच का। अब ये 3 इंच की हमारे पास स्पेस है। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टार बना सकती हैं, चाहें तो यहाँ पे आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं। अब उसका मेथड ये है कि आपने यहाँ से गैप देके कट नहीं करना, आपने अगर आप मेजर ही करना चाह रही हैं, ये 3 है, 3 का हाफ कर लें आप, और यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 इंच आप लाइन खींचें पीछे, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 1-1 इंच के निशान लगाने हैं, ये चीज़ें अपने जहन में आप बिठा लें ताकि आपका जो काम 10 मिनट का काम हो जाता है, यानी आप जहरी सी बात है अब 1-1 इंच का मेजर करना शुरू करेंगी तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत लंबी हो जाएंगी। तो आप कोशिश करें इसको बस जल्दी जल्दी किसी तरीके से ख़त्म करने वाले, और ये सब कुछ आपने प्रैक्टिस से ही करना है, तभी आप ट्रेन हो सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस ठीक होगी तो तभी आपने हर चीज़ को अंदाजे के मुताबिक आप काम कर सकते हैं। इस तरह से ये आ गया हमारी एक और शेप। इसी में आप राउंड भी कर सकती हैं, इसी में आप स्टार भी बना सकती हैं, और बहुत सारे डिज़ाइन आप इसी में बना सकती हैं। एक और नेक डिज़ाइन में आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वैसे देखने में तो इजी है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। तो साथ साथ ये है कि हम बुकरम पे तो नीटनेस रखेंगे, लेकिन आपने करना ये है कि कपड़े पे आपने ज़्यादा नीटनेस रखनी होती है, क्योंकि बुकरम कपड़े पे लग के फिर जब शर्ट पे लगता है वो तो कहीं काफ़ी मतलब उसका तो काफ़ी दूर रह जाता है। हाँ, बुकरम पे गला नीट कटा होगा तो आपकी सिलाई सीधी होगी, ये लाजमी चीज़ है। उसके बाद आपने कपड़े को कैसे नीट रखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अक्सर गला बनाते हुए कपड़े जितने ख़राब होते हैं, आपने देखा होगा लाइट कपड़ा बहुत मैला हो जाता है, इन सारी चीज़ों पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि आपने कपड़ों को बचाना किस तरह है, लाइट कपड़ों को, और गले की सफाई किस तरह से बरकरार रखनी है। तो ये गला जो मैं बनाने जा रही हूँ इसकी आपने चौड़ाई 8 ले सकते हैं, इसको आप मज़ीद बे भी बना सकते हैं। मैं चले 9 इंच पे कट कर लेती हूँ, 8.5 इंच पे, सॉरी 4.5 इंच पे मैंने काटा है, जो कि खुल के 9 इंच हो जाएगा। और मैं इसकी जो लंबाई ले रही हूँ वो मैं लूँगी 3.5 इंच।
3.5 इंच मैंने लंबाई ली है, शेप हल्की सी मैंने इसको बे वाली ही दे रही हूँ। अभी ये गला यहीं पे स्टॉप नहीं हुआ, इस बे शेप के साथ आपने नीचे 1 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच का यहाँ पे भी निशान लगा लें, तकरीबन आप लगाएं ये 1 इंच का निशान 6 इंच पे, यानी 3 इंच पे लगाएंगे तो खुल के 6 इंच हो जाएगा। आपने हल्का सा यहाँ से राउंड देना है, उसके बाद आप दोबारा इसको 1 इंच पर ले लें, और अब आपने दोबारा इसको जो लेना है वो इस तरह की शेप पे लेना है, ये। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कटिंग करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। गला बहुत इजी है, बीच का पार्ट आपने कट कर लेना है, बस यहाँ से ये होगा कि एक अंदाजे के मुताबिक आपने इसको कटिंग करनी है। यहाँ से वही 1-1 इंच का ही आ रहा है ये। ये बहुत प्यारा लग रहा है आजकल, ये गला इतना इन है, सबको पसंद भी बहुत आता है ये वाला नेक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गला कैसे तैयार होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आप यहाँ से मज़ीद डीप करना चाहते हैं तो मज़ीद डीप कर सकते हैं, स्कर्ट को मज़ीद चौड़ा कर सकते हैं तो मज़ीद भी चौड़ा कर सकते हैं, और ये इतना खूबसूरत लगता है जब ड्रेस पे बनता है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये आ जाता है डिज़ाइनिंग में, वो तो चले मैंने आपको थोड़े से सिंपल नेक बताए थे, इसके बाद भी अभी तो बहुत नेक डिज़ाइनिंग है जो आप बुकरम पे कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल बताई है, ताकि आपको जो बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल न्यू, उनको थोड़ा सा आइडिया हो सके। तो ये मैं आपको कपड़े पे करके भी बता दूंगी कि आपने इसको किस तरह से जोड़ना है शर्ट के साथ। ये तो नेक कटिंग हो गई है, अभी मैंने ये आपको बिल्कुल ही सिंपल वाला बताया, एक बीच में ये डिज़ाइन बताया है जो बहुत ट्रेंडिंग पर है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कपड़े पर भी बताऊँगी, ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू हैं, तो उन्होंने बुकरम पे गले कैसे काटने हैं, अभी तो बहुत डिज़ाइनिंग है बुकरम पे करने के लिए, बॉर्डर्स हैं, स्लीव्स हैं, पांचे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कुछ जितने बता सकी वो बताऊंगी। क्योंकि जब आप एक बार चीज़ को सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपके लिए कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है, फिर आप मुझसे भी ज़्यादा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इसलिए हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज़ आपका ध्यान मांगती है, आपका शौक मांगती है, सबसे बड़ी बात कि आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट होगा तो आपने आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो अभी मुझे दे इजाज़त, ओके जी, खुदा हाफिज़। अच्छा, ये मैंने बुकरम हाथ में पकड़ा हुआ था, सॉरी, इसके बारे में बताना था कि आपके जब ये बुकरम बीच में से, गलों के बीच में से कट होते हैं, इनको वेस्ट मत किया करें, ये भी जब जमा हो जाते हैं तो आपके लिए इनमें से अच्छी खासी चीज़ें निकल सकती हैं, गले भी तैयार हो सकते हैं, पांचे पे लग सकता है, और बहुत सारे काम बच्चों के गले बन सकते हैं। तो ये ज़रूर आप याद रखें। अभी दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।